हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी मिर्च और नींबू का अचार। इसे बनाना काफ़ी इजी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे आप स्पेशली पराठे के साथ खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसे आप इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम हरी मिर्च। इसे मैंने अच्छे से धो करके कपड़े से पोंछ लिया है और इसके डंठल को मैंने तोड़ के हटा दिया है। अब मैं क्या करूँगी, सारे मिर्ची में इस तरह से नाइफ से बीच में कट लगा दूँगी। इससे क्या होगा कि जो मसाले हैं वो अंदर तक जाएगा मिर्ची में, इससे और भी स्वादिष्ट लगता है यह अचार खाने में। तो सारे मिर्ची को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे कट लगा के। अब मिर्ची को मैंने रेडी कर लिया है, अब हम नींबू को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम नींबू भी लिया है, इसे हम इस तरीके से कट कर देंगे। आगे से मैंने कट करके हटा दिया और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इसे कट करके रेडी कर लेंगे। और इसमें जो भी एक्स्ट्रा बीज है उसे हम निकाल के हटा देंगे। और नींबू को भी हमें अच्छे से वॉश करके कपड़े से पोंछ के लेना है, पानी बिल्कुल भी नहीं रहने देना है, नहीं तो अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने नींबू को कट करके रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे मिर्ची भी हमारा रेडी है। अब इस मिर्ची में हम इस नींबू को डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट। तो इस अचार में सॉल्ट का थोड़ा ज़्यादा यूज होता है, तो यहाँ पे 2.5 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट डाला है। एक नींबू का मैंने जूस निकाल करके पूरा डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये अचार वाला मसाला, इसे मैंने ऑलरेडी बना के रखा था। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून डाला है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें जो मैंने अचार का मसाला डाला है, इसकी रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले ही डाला है हरी मिर्च, मूली और गाजर का अचार, उसमें इस मसालों को मैंने कैसे बनाया है वो शेयर किया हुआ है। और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने इसमें हल्दी पाउडर नहीं मिक्स किया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर। तो इसमें बहुत ज़्यादा हल्दी पाउडर का हमें यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लिया है हल्दी पाउडर, इसे मैंने डाल दिया है। अब इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस अचार में तेल डालने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। इसमें मैंने जो लेमन जूस डाला है उसके साथ में मसाला अच्छे से मिक्स होकर हरी मिर्च और नींबू पे कोट हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारा इंस्टेंट हरी मिर्च और नींबू का अचार रेडी हो चुका है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहे तो इसे धूप लगा सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए। धूप लगा के जब आप इस अचार को रखेंगे तो ये अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, आप इसे 1 ईयर तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर धूप दिखाना पॉसिबल नहीं है तो बिना धूप दिखाए भी इस अचार को आप खा सकते हैं, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। बट इसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, मैक्सिमम आप इसे 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं, 1 मंथ के बाद ये ख़राब होने लगता है। तो ये देखिए, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है देखने में, बहुत ही टेस्टी अचार बन करके रेडी हुए हैं, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब मैं इसे जार में रख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक चीनी मिट्टी का जार, आप चाहे तो कांच का जार भी ले सकते हैं। और जार को अच्छे से गर्म पानी से वॉश करके उसे धूप लगा करके तब इसमें अचार डालें तो अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने जार में अचार को डाल दिया है, देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।